ओम स्वामी जी, ओम मैया। स्वामी जी के चरणों में कोटि से वंदन। स्वामी जी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। 2001 से आपको टीवी में थोड़ा थोड़ा देखा था हमने, तो तब से योग प्राणायाम कर रही थी। तो डॉक्टर ने तो यही बोला था कि हमेशा दवाई खाना पड़ेगा अस्थमा की, और जब ठंड। तक दम रहेगा, बोले दमा रहेगा। 20 साल पहले की बात बता, 24 साल पहले की बात बता रही मैया। अब क्या हाल है? स्वामी जी, मैं रात भर वो आवाज़ आती थी, और बैठे बैठे मैं दिन रात काटती थी पूरी। ओ, सो भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो जाती है। सोते ही फिर खांसी होती है, ऐसी हालत है। कफ बढ़ने पर सोते ही खांसी, एसिडिटी बढ़ने पर सोते ही एसिडिटी, गैस, रातों की नींद, दिन का चैन सब गायब हो जाता है। बीमारियां बड़ी दुख देती है। अब ठीक है मैया? हाँ, रोज़ प्राणायाम करती रही, आपको देखती रही, और धीरे धीरे कब मेरे जीवन में योग उतर आया कि मैं ये योगाहार योग में करते करते अपने आप ही जीवन सुधर गया, समर गया, भाई पता ही नहीं लगा, ये तो जीवन अपने आप ही बदल गया। चलो योग की खुश रहो। कक्षाएं लेते रहें, अच्छा, दूसरों और को भी योग सिखाते हैं? जी, और उस योग कक्षा में बहुत सारे लोगों का बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती रहती है। और योगाहार प्रोग्राम में फिर जिला पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी भी हूँ मैं, बालाघाट जिले से, मध्य प्रदेश से। ओ, मध्य प्रदेश से आई है मैया। चलो, ओम स्वामी। कल्पना की कल्पना साकार हो गई। चलो।